रजा भाट के पास कोई प्रूफ नहीं है मुझे पता उसने वाह में बात की है लेकिन उसे नहीं पता गलत बंदे को टच किया उसने कि पूरे लाहौर ने सापी को आगे पैसे दिए हैं कि आप ये लें और रजा के खिलाफ इंटरव्यू दें ला इला मोहम्मद रसुल्ला मुझे कलमाना ना, ना हो मरते वक्त मुझे जन्न नसीब ना हो अगर मैंने उस बीबी को पंद्रह हज़ार दिया है या उससे लिया है तुम मेरे तो लानत पाई है तो मेरे तो पंद्रह हज़ार का इग्जाम लाया दो चीजें सबत कर रही है नहीं करोगे तो एक्सक्यूज करोगे एक्सक्यूज नहीं करोगे तो मैं अपनी कार्रवाई कराँगा असल महू रिहान और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा यूट्यूबर मौजूद है जो कि लोगों को पैसे देता है प्लांटेड इंटरव्यू करता है और मशहूर लोगों को डिफेम करने की कोशिश करता है मुदसर रशीद इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया एक खातून का जिन्होंने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कुछ बातें की और वो बातें इस हद तक रजब के ख़िलाफ़ थी कि रजब को लाइव आना पड़ा और लाइव आकर रोने पर मजबूर हो गया रजब उसे इस हद तक डिफेम किया गया मुदसर मेरे मौजूद हैं 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 इनसे जानते कि ये ऐसा क्यों कर रहे वालेकुम वाल्मीम क्या हाल है मुदसर भाई जी मैं ठीक हूँ और आपने कहा जी मुदिर आजकल पैसे दे के इंटरव्यू करा है मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने किसको पैसे दिए हैं और मुझे पता ही नहीं है इतने अमीर हो गए हैं डॉलर्स की बारिश हो रही है हमें ये तो रजब भट्ट साहब इस चीज़ का प्रूफ देंगे ना कि मैंने पंद्रह हज़ार किस बंदी को दे के इंटरव्यू किया है, है। तो लिहाजा मैंने तो उस पर अलहमदिल्ला अपना मैं मुसलमान हूँ और कलमा को बंदा हूँ तो मैंने लाए 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 ला ला लाला पढ़ के ये बात की है कि मैंने किसी को ना पैसे दिए हैं ना लिए हैं इस प्रोग्राम करने के मदरसे के मामला पर खैर रजब भट्ट के पास कोई प्रूफ नहीं है मुझे पता उसने वहाँ में बात की है लेकिन उसे नहीं पता गलत बंदे को टच किया उसने मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया का बंदा हूँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ अपने चैनल से हट के टी वी चैनल के लिए मेरी खदमत हैं ठीक है तो होता इस तरह कि मेरे जूनियर्स को एक बाजी टच करती हैं जो वो खतून मदरसे वाली इसकी वीडियो काफ़ी टिकटॉक पे वायरल थी रजब बाट साहब आपकी तलाक के लिए ये सिर्फ प्रोग्राम मैंने नहीं किया इस बाजी का ये स्क्रीन शॉट नीचे चल रहे हैं ये देखें ये सारे यूट्यूबर साफियों ने सब ने आकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस बाजी को कवर किया है वो बात अलग है कि मेरी वीडियो आप तक पहुँची किस तरह पहुँचे जैसे पहुँचे मुझे इस कोई मकसद नहीं है कोई मामलात नहीं है सबसे पहले मैं तीसरा बंदा हूँ सबसे पहले दो इंटरव्यू हुए थे वो ये भी नीचे स्क्रीन चल रहे हैं आप देख रहे होंगे लाहौर पूरे ने इस बाजी को कवर किया है पूरे लाहौर ने इस बार आगे बाजी को पैसे दिए होंगे इतफाक़न बात सोचे हैं कि पूरे लाहौर ने इस को आगे पैसे दिए हैं कि आप ये लें और जब के खिलाफ इंटरव्यू दें आपके बकोल आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मुदसिर भाई ने पंद्रह हज़ार रुपया उसको दिया है और इंटरव्यू कर लिया चलो जी मैं आपके इल्ज़ाम पर एग्री कर लेता हूँ कि हाय तो इल्ज़ाम ही आपकी बात पर टम्प्रेरी एग्री कर लेता हूँ फिर मिसाल के तौर पर तो बाकी जो यूट्यूबर्स जिनकी जो वीडियोज़ चल रही हैं इन्होंने भी पैसे दिए हैं बट साह गलत हो गया इस दफ़ा आपका तीर गलत लग गया है एक सोशल मीडिया एक्सपीज़ पे आपने लगाया वो बंदा जिसने हमेशा हक हाँ और सच की बात की और सबसे बड़ी बात फिर मैं आया मैंने कहा भाजी आपके पास क्या एविडेंस है रजत बट बिकम आ स्टार एक सेलेब्रिटी है आप किस तरह उस पर प्रोग्राम कर सकती हैं क्या मामला है ये मेरा मेरे जूनियर से कॉन्टैक्ट हुआ आपकी का स्क्रीन शॉट आए टिकट बात है मैं दिखा सकता हूँ मेरे सर आपता नहीं हुआ था मैं सेकंडली आया था मेरा तीसरा इंटरव्यू था दो पहले हो चुके थे स्क्रीन चल रहे हैं आपको खैर वो इंटरव्यू नज़र नहीं आए बट साहब ये वो देख लें आप इंटरव्यू मैंने कहा जी क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने इंटरव्यू अपना क्या प्रूफ है आपके पास बाजी के रजब भट्ट ने पैसे खाए हैं क्या मामला क्या तो बेटा ये मेरे पर सीधे हैं रजब भट्ट अपने ही व्लॉग में सबसे पहला सबूत दे रहा है क्या जी मुझे सवा छः लाख आया है बाट भट्ट अपने व्लॉग में कह रहे हैं ठीक है मुझे सवा छः लाख आया तो सवा छः लाख बाजी तक नहीं पहुंचा ठीक है वो पहुंचा को दो पैंसठ उसकी रसीदें आप चलाना उसकी तस्वीरें हैं मैं आपको दूंगा वो आप चलाना फिर होता क्या है बाट साहब मदरसे के मामला पर आप सच्चे हैं कि नहीं ये एक सेकंड वे है वो मामला आपका बाजी के साथ था मैंने उनकी राय ली और वो राय पब्लिक को दिखाई और राय लेना यह सबकी हक है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोशल वर्कर एक किसी की राय ले सकता है एक साफी किसी की राय ले सकता है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं माशाला आपने रंग रंग का पानी पिया बार बार आप कहते हैं ठीक है मैंने एक राय ली है उसमें मेरी कोई राय नहीं कि आपने पैसे खाए हाँ अब ये मामला मेरा और आपका पर्सनल है कि आपने मुझ पर लान तो लानत की ठीक है मुसलमान जो एक मुसलमान है ना वो किसी पर लानत बेजता बेबुनियाद कतल के बराबर है पढ़ लें स्टडी कर लें मैंने पढ़ी है हदीस से भी साबित होता है कि जो लानत बेबनाद किसी पर भेजते हैं वापस उसी पर होती है खैर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं आपको वो लानत नहीं भेजूँगा मेरा ये मैार नहीं है मेरा ये किरदार नहीं है ठीक है मैं एक जट बरदरी से मेरा तल्लक है वाटसाहब मैं ज़िम्मेदार बंदा वहाँ मेरा यूट्यूब तो मामला नहीं चलते ठीक है मैं ज़िम्मेदार बंदा अपने शोक आस्ते करना हक और सच की गल की हमेशा रजा वाट्साहब ने कहा पैसे दिए मैं आल पाकिस्तान सोशल मीडिया में देख रहा है मुसलमान मेरी वीडियो देख रहे हैं एक मुसलमान की पहचान कलमे से बढ़ के कुछ नहीं होती वीबर शिप दुनियावी मामला था यहीं पर जाने ला लाई ला मोहम्मद रसोल्ला मुझे कलमा ना नसीब ना हो मरते वक्त मुझे जन्न नसीब ना हो अगर मैंने उस बीबी को पंद्रह हज़ार दिया है या उससे लिया है राजा बाट साहब आपके पास कोई प्रूफ है सच्चे हैं तो आपको कसम आप सच्चे मोमिन है मोमिन का दर्जा ही बहुत बड़ा है यार क्या मैं सवालियाँ निशान लगा दूंगा बड़े मामलों पर मोमिन बहुत बड़ा दर्जा है आप मोमिन है आप अपना कलमा पढ़ के मुझे कह दें तो भाई पंद्रह हज़ार रुपये लिया है कसम खुदा के आल पाकिस्तान देख रहा है मैं आइन और कानून और पाकिस्तान के दौरों के मुताबिक सजा के काबिल हूँ और आप जो वो वह करूँगा कलमा पढ़ के वीडियो जारी करें लाइव है टिकटॉक् इंस्टाग्राम पर जो मर्जी है मैं ये खड़ा हूँ ला मोहम्मद रसुल्ला मैंने किसी बैन को पैसे नहीं दिए किसी बैन से पैसे नहीं लिए और नाम मैंने स्क्रिप्टेड प्रोग्राम किया मैंने अल्लाह की रजा के लिए उसकी आवाज़ बनाऊँ और वीडियो आप तक पहुंची आपने फीडबैक दिया ये और मेरा मामला आपका पर्सनल है देखिए बट साहब अगर आप यह सबित करते हैं तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ ऑन अमरा अलहमदिल्ला और आप यह साबित कर दें कि मैंने पंद्रह दिया है। और दीन इस्लाम के मामला से और दुनियावी सबूतों से तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डल कर दूंगा अलहमद्ला मेरे पास इतना सरमाया है मैं जिम्मेदार बनता हूँ ठीक है मैं इतना सरमाया कर सकता हूँ कि मैं चल सकता हूँ यूट्यूब मेरा ऑफेयर हो जाएगा सारा मामला मैं कर दूंगा अगर आप ये साबित कर दें मेरे पास लीगल एडवाइज़र भी हैं मेरे अपने लीगल एडवाइज़र हैं मैं सोशल मीडिया करता रहता हूँ मेरे अपने एडवोकेट्स भी हैं मेरी बात चल रही है मैं नोटिस भी करूँगा लेकिन आप अगर एक्सक्यूज़ कर लेंगे इस मामले को तो बात खत्म होती है क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है मदरसा के फेम लेना चाह रहे हैं आप और फेम अलहमदिल्ला मैं भाई जान मेरा मैं खुद एक दो लाख सब्सक्राइबर हूँ मैंने कोई आपके पास आके शॉर्ट आउट नहीं लिया आपके बाहर घर के खड़ा होकर शॉर्ट आउट नहीं लिया जब मेरा सब्सक्राइबर बोल दें मेरा दो लाख प्लस सब्सक्राइबर है मुझे अपने लोग देखते हैं मेरी अपनी फैन बेस है कब से कर रहे हैं काम मैं तो सर दो से कर रहा हूँ रजब तो भाई ये साल पहले अलग ने इनको इज़्ज़त दी है और दे लेकिन इस तरह नहीं है मामला करके आप ऊपर ना आए कंट्रोवर्सी आप खुद बना रहे हैं आप एक्सक्यूज़ करें इस तरह मामला ख़त्म नहीं होंगे वरना मैं चीज़ें लीगलाइज करूँगा अदारे हैं कानून हैं सारी मामलात हैं आपने एक 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 जर्नलिस्ट के साथ मंगा लिया है एक उस बंदे के साथ आपने डी फेम किया है एक बंदे के साथ इल्ज़ाम लगाए हैं है। जो बंदा फील्ड का है पूरा मीडिया मेरे साथ खड़ा है मुझे लोग जानते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई पहले वो स्ट्रॉग उजमा साहिबा हैं उन्होंने भी कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट की उसके बाद ये बाजी वाला मामला और आप तीसरे उजमा उमापी फेम लेने के लिए आई है हाँ। उजमा अपी तब की कर रही है जब मेरा ख्याल है कि भाई का भी ड्रीम था कि मैं यूटूब करूंगा ठीक हाँ। है उन्होंने सड़कों पे भीख मांगे लोगों की ज़िंदगी बदली है वो फेम लेने इनके पास क्यों जाएगी वो अपने किसी हॉस्पिटल के मामला के लिए गई थी खैर ये मामला आपका मेरा लानत क्या है आपने मुझे लानत भेजी है اور اپ ایک مومن ہیں سچے مومن ہیں اپ نے اپنے کردار کے خلاف بات کی ہے مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ لعنت بڑی سیانی ہے لعنت کو بتانا نہیں پڑتا کس پہ جانا ہے خود ہی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تے گل ہے کہ بھائی جان لوان کوئی نے واٹس ایپ میں جٹ برادری دا طلاق ہے میرا تے گل غلط ہے ایکسیوز کرو کہ تے معاملہ ختم ہوے گا نہیں تے اسی طرح کے معاملہ تہاڈا ہے میرا پرسنل مدرا دے رہے ہیں یار اصل معاملہ ختم ہو گیا دھمکی دے رہے ہیں میں تے انہاں نوں کہہ رہا ہوں ایکسیوز کرن میرے کردار تے گل کیتی ہے میرے میری کمیونٹی چ میرا کلپ میں کمیونٹی دے لوگ پوچھ رہے ہیں مدثر بھائی ایتھے ری ایکشن کرو کیوں نہیں کر رہے ہو انے تہاڈے تے 15

और कुछ कहना चाहें मेरा बस यही पैगाम रहे जब वट साहब आप एक्स्यूज़ कर लें तो इन शाला मामला ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने गलत बात की मदरसे के मामला तो अला पर छोड़ दिया मैंने मैंने सुबाजी की राय दी आपको उसकी राय नहीं पसंद आई वो गलत है डी फेम तक सच्ची है झूठी है वो अल्लाह का मामला है तुम्हें तो मेरे तो लानत पाई है तो मेरे तो पंद्रह हजार इल्जाम ला लाया दो चीज़ें अभी कर रही नहीं करोगे तो एक्सक्यूज़ करोगे एक्सक्यूज नहीं करोगे तो मैं अपनी कार्रवाई कराँगा जेडे भी पाकिस्तान राजनीतिक कानून मुताबिक हुई बहुत शुक्रिया भाई ना आपने तमाम गुफ्तू जान ली आपने यकीन वो वीडियोज़ भी देख रखी होंगी जो कि इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं रजब और बताते हैं सारी बात और भाई की स्क्रीन भी चलाते हैं यानी कि फ़ोटो आती है और जो बातें थी अब आपने सुननी ही होंगी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगा कीजिएगा हमें दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़